तो सबसे पहले जो है वो एलोवेरा का लीफ कट कर लेते हैं लॉन से, क्योंकि आज के मास्क में एलोवेरा यूज़ होगा। और ये देख लें कितना ग्रीन और साफ सुथरा एलोवेरा है जो मैंने कट किया है अपने लॉन से। और चले हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो आज की वीडियो जो है वो एक हेयर मास्क के ऊपर है। मैंने शैम्पू किया अपने बालों को, मैं नहाई थी तो मैं मास्क लगा रही थी अपने बालों के ऊपर, क्योंकि जब से मैंने वो काली का हेयर मास्क यूज किया था आप लोगों को रिव्यू देने के लिए, मेरे इतने बाल उतर रहे थे, इतने बाल उतर रहे थे, इतने बाल उतर रहे थे, मेरा दिल करता था बस मैं टिंट करा लूँ अपनी। फिर मैंने कहा चलो यार टिंट नहीं कराती, बहुत मुश्किल से बाल लंबे होते हैं फिर कटवाला तो बढ़ते नहीं है। तो फिर मैंने बोला चले जो मैं मास्क यूज करती हूँ वो यूज कर लेती हूँ हेयर फॉल के लिए, अलग जो मास्क होता है वो वाला। तो फिर मैं मास्क बना के लगा रही थी, बहुत ही गंदे उलिए में थी। मैंने बोला अरे यार लगा तो रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, चलो मेरी वीडियो भी निकल आएगी हेयर मास्क की, और जिन लोगों को भी हेयर फॉल का इशू होता है उन लोगों का भी मसला सोल्व हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था गंदे मंदे उलिए में, बुरा नाना अच्छा ये ना मुला आप लग रही थी वैसे लग रही थी, नेल पॉलिश हटा लेती, नेल पॉलिश लगा लेती, बस जिस भी उलिए में थी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चले आप लोग जाके मास्क की वीडियो देखना है, आप लोग देख रहे मेरे बाल इतने सिल्की इतने शाइन कैसे लग रहे हैं, ऐसे देखे फिंगर्स सुलझ रहे हैं माशाल्लाह 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 से, और बालों की लेंथ देख ले माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी लंबी होगी। चले आप लोग जाके वीडियो देख कर, मैं आपसे वीडियो के बाद मिलती हूँ। हाँ तो भाई ये फ्लेक्सीड है जो मेरे हाथ में, फ्लेक्सीड का जेल है ये, ठीक है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लेक्सीड का जेल जो है वो कैसे बनाते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जेल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो करना क्या होता है, आपने एक पैन में जो है वो एक गिलास पानी लेना, उसमें 3 चम्मच जो है वो फ्लेक्सीड जेल डालनी है, उसके बाद जो है उसको बॉयल दिलवाना है। और जब उसके ऊपर झाग झाग से आने शुरू हो जाते हैं और आपको नज़र आ जाता है कि पानी की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, आपने उसको छोड़ना है ठंडा करने पर, आपने जेल जो है वो उस सीट से निकाल लेनी है इस तरीके से। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके अंदर जो हमने 2 चीज़ें डालनी हैं वो है अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है ना ये 2 चीज़ें हैं जो हेयर फॉल को फ़ौरन से स्टॉप कर देती है। मतलब एक यूज़ में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा हेयर फॉल जो है वो रुक गया है, इस तरीके की ये चीज़ें। तो मैं यहाँ पे गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ बिल्कुल प्योर, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप वो जो अदरक और लहसुन हम खाने में यूज़ करते हैं आप वो क्रश करके भी यूज़ करें, ये बहुत बेस्ट होता है। एक तो बालों को मजबूत भी करता है, दूसरा आपका हेयर फॉल जो है ना वो फ़ौरन से रोक देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और अगर आपको गंजेपन का इशू हो रहा हो तो लहसुन और अदरक जो है वो इस चीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो एलोवेरा है, मैंने एलोवेरा को काट के जो है वो इस फ्लेक्सीड जेल के अंदर डालना है, जिसका ख़राब वाला पार्ट होता है ऊपर नीचे से, उसको आपने कट कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ज़्यादा आपकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, दरमियान वाले पार्ट में बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब साइड से जो है मैंने इसको केयरफुली कट कर लिया है, ऊपर वाला छिलका भी केयरफुली उतार लूँगी, और छिलके को भी मैंने वेस्ट नहीं करना। पहले ऐसा होता था ना कि एलोवेरा का पौधा मेरे घर पर नहीं था तो मुझे किसी से मांगना पड़ता था, तो फिर मैंने अब इसके 2 गमले लेके अपने घर पर ही लगा लिए लॉन के अंदर, क्योंकि हर वक्त यूज़ है स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है एलोवेरा, स्पेशली आपके हाथों पे और जो फेस पे रिंकल्स आ रहे होते हैं ना उनको रिमूव कर देता है। इसलिए जो मैंने छिलका उतारा है, क्योंकि उसके अंदर भी जेल तो थी ना, वो भी मैंने वेस्ट नहीं किया, वो भी मैंने डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे, फेस पे, अच्छे से हाथों पे अच्छे से लगाया, आपको नज़र भी आ रहा होगा हाथों पे जेल फुल जेल से भरा हुआ था ये एलोवेरा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश था। उसके बाद मैंने इस तरीके से इसका छिलका उतारा, वो वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ था, शुक्र है पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने वो आपके लिए यहाँ पर लगा दी है। और फिर उसको मैंने चम्मच से अच्छे से क्रश कर करके सारा का सारा बाउल डाल लिया, आपको बाउल में जेल गिरती हुई नजर आ रही होगी इस तरीके से, एक पीस भी आपने ज़ाया नहीं करना और पूरा लीफ जो है वो आपने यूज़ करना है। हाँ अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है ओरिजिनल तो आप बाजारी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं इसका अल्टरनेट, वरना कोशिश करें कि यही वाला एलोवेरा यूज़ कर लें अपने घर में, एक लॉन में या कहीं पे भी एक गमला लेके एलोवेरा का वो लगा लें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए। उसके बाद ये देखिए मैंने इसको चम्मच से ब्लेंड करने की कोशिश की है लेकिन ये ब्लेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्लेक्सीड भी जेल है एलोवेरा भी जेल है तो दोनों चीज़ें जो है वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रही थी, स्पेशली जो अदरक का और लहसुन का पाउडर डाला था, अगर आप साबुत भी डालेंगे तो भी आपको इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया आपके सामने। अब जब मैं ब्लेंड कर लूँगी ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके की हो जाएगी, मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, ये है अभी भी जेल फॉर्म में, थोड़ा सा जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है ना उस तरीके का है, स्टिकी स्टिकी। और जो इस तरीके का जेल होता है ना वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब जितना स्टिकी है ना इसका मतलब है कि कोलेजन से भरपूर है ये और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी हेल्दी डाइट है। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने पहले भी आपको बताया है जैसे हमारी स्किन को हमारी बॉडी को खुराक की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही हमारे बालों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। जब हम छोटे होते हैं ना, मतलब टीनएजर्स होते हैं, तब तो इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ कुछ बच्चों को तो टीनएजर्स में बालों का मसला आ जाता है, लेकिन तब हमारा जिस्म में जो है वो अच्छी खासी डाइट होती है, ज़्यादा मसला होता है शादी के बाद, शादी के बाद हमारे जिस्म में डाइट की कमी आ जाती है, हम अपना वैसे ख्याल नहीं रख पाते जैसे हम शादी से पहले रख पाते हैं, बच्चे होते हैं तो इन सब चीज़ों की वजह से जिस्म में बायोटिन की कमी हो जाती है, कोलेजन की कमी हो जाती है, इलास्टिसिटी लूज़ होना शुरू हो जाती है स्किन की, तो फिर हमें अपनी केयर करनी पड़ती है एक्सटर्नली, हमें कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ता है, कभी कोई मल्टीविटामिंस यूज़ करता है, कभी कोई रेमेडीज़ यूज़ करता है, तो ये सब चीज़ें फिर हमें करती रहना पड़ती हैं ताकि हमारी स्किन और हमारे बाल जो हैं वो अच्छे रहें।
अभी आप देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से सारा जो मास्क था उसको मैंने बालों पे लगाया, बालों की रूट्स पे मैंने लगाया, क्योंकि इसके अंदर जो था वो लहसुन और अदरक का पाउडर था, यानी कि उनका पेस्ट या कुछ भी। और ये दोनों चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताया, हेयर फॉल को फ़ौरन से स्टॉप करती है। मतलब एक मास्क में ही ना आपका हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मसला इन दिनों में सबका यही था कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे आप ही हम गंजे हो जाएंगे, इतना हेयर फॉल है। तो उस चीज़ के लिए बेस्ट मास्क है। मैंने सारा का सारा मास्क अप्लाई कर लिया है, बालों के एंड पर भी मैंने अप्लाई किया मास्क को अच्छे से। और इस मास्क का ये वाला मसला नहीं है कि आपने बालों को खुला छोड़ना है, आप बालों को लपेट सकते हैं, बस आपने मसाज अच्छे से करना है। और आपको बताया ना आपके बालों में जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज नहीं करते, जिगजैग में या स्टेप फॉरवर्ड मोशन में मसाज करते हैं आगे पीछे। तो मैंने अच्छे से लगा के बालों को लपेट लिया। अब मैं आधा घंटा या एक घंटा जो है इसको बालों में लगे रहने दूंगी, उसके बाद जब मैं इसको वॉश करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देख लें मास्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बाल जो है वो अकड़ गए हैं, क्योंकि वो जेल फॉर्म में सारा मास्क था, जैसे कि मैंने बताया कि अंडे की सफेदी की तरह है। अब मैं इसको धोकर आती हूँ फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। अब ये देख ले मैंने बालों को शैम्पू कर लिया, आपको बालों में शाइन नज़र आ रही होगी, कितना शाइन करें बालों, इतने बाल मेरे टूटे थे शैम्पू के वक्त, उससे पहले भी मेरे बहुत बाल टूट रहे थे इन दिनों में बहुत ज़्यादा, वरना मेरे बाल नहीं टूट रहे थे। ये देखिए मेरे बाल जो है वो अभी हल्के हल्के गीले हैं, मुकम्मल ड्राई नहीं हुए, लेकिन रिजल्ट देखने आपके सामने हैं। और अल्लाह जानता है मैंने कोई स्ट्रेटनर वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ, बाल अभी भी हल्के गीले हैं। मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ, अभी बाल जो है वो सही से ड्राई नहीं हुआ, हल्का हल्का सा अंदर से सारा बाल गीला ही है। तो मैंने कहा चलो आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। और आप शाइन देख लें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह शाइन हो गया, और बाल जो है वो एकदम सीधा भी हो गया, मुझे स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कंघा भी मैंने किया है तो नहाने के बाद मेरा बाल नहीं टूटा अल्हम्दुलिल्लाह, कंघी भी किए तो बाल नहीं टूटा, वरना मैं जब ऐसे बार बार जब बाल सुलझा रही थी तो मेरा बाल जो है वो टूट रहा था बहुत ज़्यादा, और बाल जो है वो सिल्की भी हो गया है। तो मैंने सोचा मैं अप्लाई कर रही हूँ, चले रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, वीडियो भी निकल आएगी मेरी और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कौन सा हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए जब आपको बहुत सीवियर किस्म का हेयर फॉल हो रहा हो। तो अल्लाह करे मेरा तो हेयर फॉल अल्हम्दुलिल्लाह से रुक जाता है, अल्लाह करे आप लोगों का भी रुक जाए। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग वीडियो देखते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो उससे जो है मतलब लाइक जो होता है ना वो वीडियो की रेटिंग होती है कि वीडियो जो है वो ऑडियंस को अच्छी लगी है। यूट्यूब देखता है कि लाइक ज़्यादा है या डिसलाइक ज़्यादा है, तो जब वीडियो के लाइक अच्छे होते हैं तो यूट्यूब को भी समझ में आ जाता है कि वीडियो की रेटिंग अच्छी है, कॉमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, लाइक भी बहुत ज़्यादा है, तो यूट्यूब जो है ना उस वीडियो को ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में लाना शुरू कर देता है लोगों की, ये वीडियो अच्छी है आप भी देखो आप भी देखो। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखते हो तो लाइक लाजमी किया करो और कमेंट भी लाजमी किया करो, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक ग्रुप पे, जहां जहां आपके लिए इजीली पॉसिबल होता है, आपके दोस्त हैं कजन हैं फैमिली में कोई भी है किसी के साथ कोई मसला चल रहा है स्किन का हेयर का, तो उन लोगों के साथ। ड्रेस का हर वीडियो में आप लोग ड्रेस का पूछते हो, आप ड्रेस दिखा दो ड्रेस दिखा दो ड्रेस दिखा दो, ड्रेस इंस्टाग्राम पे जो ना ड्रेस की पिक्चर लगा देती हूँ आप लोगों के लिए वर्टिकल रखे कैमरे को, तो आप लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा ड्रेस पहनावा था और स्टाइल क्या था। तो मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।